तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की एक नोवेला एनिमल फार्म के बारे में। दोस्तों ये एक वर्ल्ड फेमस नोवेला होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल सटायर भी है। अब वो सटायर किस पे है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिलहाल कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। इनका जन्म हुआ था 25 जून 1903 को और 21 जनवरी 1950 को इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था एरिक आर्थर ब्लेयर। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ ऐसे भी लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे। ऑरवेल अधिकतर समाज में व्याप्त बुराइयों पर लिखना पसंद करते थे और इनके सबसे ज़्यादा फेमस वर्क की बात की जाए तो उसे आज हम पढ़ रहे हैं। एनिमल फार्म इनका सबसे फेमस वर्क है आज तक का। जॉर्ज ऑरवेल ने इसे 17 अगस्त 1945 को पब्लिश करवाया था और पूरी नोवेल के अंदर व्यंजनापूर्ण बातें की गई है। तो दोस्तों ये मैंने बताया जॉर्ज ऑरवेल के बारे में, इतना जानना पर्याप्त है। अब बात करते हैं स्टोरी की। कहानी शुरू होती है एक शाम से। कहानी में मैनर फार्म नाम की एक जगह है। फार्म का मतलब आप जानते हो, जहां जानवरों को पाला जाता है। उस फार्म के ऑनर यानी कि मालिक का नाम है मिस्टर जॉन्स, जो कि एक शराबी आदमी है और बस शराब ही पीता रहता है। उसे शराब पीने की इतनी गंदी लत है कि उसका फार्म बर्बाद होता जा रहा है। मतलब कि उसका फार्म जो है वो फल फूल नहीं रहा। उसके जो जानवर है वो भी उससे परेशान है। वो हमेशा शराब पी करके आता था और अपने फार्म के जानवरों पर अत्याचार करता था। फार्म के सभी जानवर मिस्टर जॉन्स से बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मीटिंग रखने का फैसला किया। ऐसी मीटिंग पहले कभी नहीं रखी गई थी। सारे बेचारे जानवर उस मीटिंग में इकट्ठा हुए। इस मीटिंग की अध्यक्षता एक ओल्ड मेजर पिग, एक बूढ़ा सुअर कर रहा था। सारे जानवर आकर के अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, सबने सीट्स ले ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजर पिग जो था वो बूढ़ा हो चुका था। उसने सारे जानवरों से बोला कि हम जो कुछ भी पैदा करते हैं, जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, दूध हो, अंडे हो, ऊन हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। वो बोलता है कि हम जानवरों से इतनी मेहनत करवाई जाती है और इसके बदले में हमें क्या दिया जाता है, हमें हमारी मेहनत के बदले क्या मिलता है, हमारा मालिक हमें कुछ नहीं देता, तो हमें अब खुद का हक छीनना पड़ेगा। मेजर पिग बोलता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन तुम सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तुमको जॉन से छुटकारा पाना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ मेजर पिग बोलता है कि जब तुम लोग जॉन से छुटकारा पा लोगे तो उसकी बुराइयों को मत अपनाना। हम सब जानवर भाई हैं, बराबर हैं और बराबर ही रहेंगे। इतना बोलते ही मेजर पिग मर जाता है। सारे जानवरों को उसकी मौत का दुख होता है। लेकिन मेजर पिग जाते जाते एक क्रांति की आग जगा गया उन जानवरों में। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन जॉन्स उन जानवरों को खाना देना भूल जाता है। जॉन्स फार्म के सारे जानवरों को खाना देना भूल जाता है तो सारे जानवर मिलकर के जॉन्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। जॉन्स को उस फार्म से भगा देते हैं और जानवर पूरे फार्म पे अपना कब्जा कर लेते हैं। हालांकि जॉन्स वापस आता है उस फार्म पे हमला करने के लिए, लेकिन जानवर इस बार भी उसे हरा देते हैं। अब सारे जानवर मिलकर के एक फैसला लेते हैं कि कोई भी जॉन्स के घर में नहीं रहेगा, सब फार्म के अंदर ही रहेंगे पहले की तरह, क्योंकि जॉन्स का घर हमारे रहने लायक नहीं है। तो इनमें से सब जानवर एग्री हो गए, लेकिन एक पिग था, एक दूसरा सुअर था, उसका नाम था नेपोलियन। वो इस बात से खुश नहीं था। तो नेपोलियन नाम के कैरेक्टर का नाम याद रखना, ये आगे चल के एक विलन बनेगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी में एक दूसरा सुअर और है, एक दूसरा पिग और है जिसका नाम है स्नोबेल। तो स्नोबेल नाम के सुअर के नेतृत्व में सभी जानवरों ने मिलकर के फार्म का नाम बदल करके एनिमल फार्म रख दिया और इस फार्म के कुछ नियम बनाए जिन नियमों को हर किसी को फॉलो करना था। चाहे कोई भी जानवर हो, सब जानवरों पे ये नियम लागू होते थे। जैसे कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई भी जानवर जॉन्स के बिस्तर पर नहीं सोएगा। दूसरा नियम था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। तीसरा था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। चौथा नियम था कि चार पैर वाले अच्छे और दो पैर वाले बुरे। दो पैर वाले मतलब इंसान बुरे और चार पैर वाले जानवर अच्छे। और आखिरी नियम था
सारे जानवर बराबर हैं, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। सारे जानवरों ने इन नियमों को माना, इन नियमों को एग्री किया। अब सब जानवर मिलकर के फार्म के लिए काम करने लगे। सारे जानवर मिलकर के कड़ी मेहनत करते थे। एनिमल फार्म अच्छा खासा फल फूल रहा था। हर हफ्ते में एक बार फार्म में मीटिंग रखी जाती थी जानवरों की, और इस मीटिंग की अध्यक्षता स्नोबेल करता था, मतलब कि अधिकतर पिग्स ही इसकी अध्यक्षता करते थे, सुअर ही इसकी अध्यक्षता करते थे। अब उस मीटिंग में बातें की जाती थी कि जॉन्स के समय हमारा फार्म कितना खराब था और आज हमारे फार्म की हालत कितनी अच्छी है। और वो बोलते थे कि हमारा फार्म जो है वो इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि हमारे फार्म के अंदर दूसरे फार्म्स की तरह जानवरों को बांध करके नहीं रखा जाता। अच्छी बात है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब स्नोबेल ने धीरे धीरे जानवरों को पढ़ाना भी चालू कर दिया। इसी के साथ साथ स्नोबेल एक पवन चक्की बनाने का प्लान बना रहा था। नेपोलियन को इस बात का पता चल गया। अब नेपोलियन हर वक्त स्नोबेल पे नजर रखने लगा। स्नोबेल ने अगली मीटिंग में जानवरों को बोला कि वो एक प्लान तैयार कर रहा है पवन चक्की बनाने का, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, मतलब वो बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे आप सब जानवरों के सपोर्ट की जरूरत है। तो इतने में नेपोलियन ने स्नोबेल और सारे जानवरों के सामने आकर के बोला, ये प्लान मेरा है और स्नोबेल ने मेरा ये प्लान चुराया है। नेपोलियन ने अपने पास कुछ जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनको कह करके उसने स्नोबेल को फार्म से भगा दिया। नेपोलियन ने स्नोबेल के पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए और उसे फार्म से भगा दिया। अब जब स्नोबेल को फार्म से भगा दिया गया है तो नेपोलियन फार्म का सुपीरियर बन गया और धीरे धीरे बाकी सारे पिग्स भी उसे फॉलो करने लगे। वो सबको कहने लगा कि स्नोबेल एक गद्दार था जो जॉन्स को फार्म में वापस लाने की तैयारी कर रहा था, और वो बोलता है कि अब इन बकवास मीटिंग्स की फार्म में कोई ज़रूरत नहीं है, अब इस फार्म के सारे फैसले मैं लूँगा। वो पवन चक्की बनाने वाले प्लान को अपना बताने लगा और सारे जानवरों से मेहनत करवाने लगा। वो जानवरों से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता था और उन सब जानवरों में पिग्स जो सुअर थे वो बहुत कम काम करते थे। खाना भी बाकी काम करने वाले जानवरों को कम और पिग्स को ज़्यादा मिलता था। अब धीरे धीरे काम चल रहा था तो फाइनली कुछ दिनों के बाद में चक्की बनकर तैयार होने वाली थी, लेकिन जानवरों से मेहनत बहुत करवाई जा रही थी और खाना बहुत कम दिया जा रहा था। सारे जानवरों को बॉक्सर नाम के एक घोड़े से बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी क्योंकि वो घोड़ा उन सब जानवरों में सबसे ज़्यादा काम करता था, सबसे ज़्यादा मेहनत करता था। एक दिन बॉक्सर और बेंजमिन नाम के गधे ने देखा कि पिग्स जो है वो जॉन के घर के अंदर जा रहे थे और जॉन्स के बेड पर सो रहे थे, जबकि सारे जानवरों ने मिलकर के ये तय किया था कि कोई भी बेड पर नहीं सोएगा। लेकिन अब नेपोलियन का शासन आ चुका था, अब फार्म पे शासन हो गया था नेपोलियन का, तो सारे नियम धीरे धीरे बदलने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे चेंज आने लगे, जैसे नेपोलियन ने अपने फार्म की चीज़ों का बाहर व्यापार करना शुरू कर दिया। नेपोलियन ने सबसे पहली चीज़ मुर्गियों के अंडों को बाहर बेच दिया, तो मुर्गियों ने इस बात पर विद्रोह कर दिया क्योंकि नेपोलियन से पहले वाले कमांडर स्नोबेल ने मुर्गियों से वादा किया था कि उनके अंडों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनके अंडों को सुरक्षित रखा जाएगा, किसी को नहीं बेचा जाएगा। तो मुर्गियों ने इस बात पर विद्रोह कर दिया तो नेपोलियन ने उन मुर्गियों को सजा दी और कहा कि तुम मुर्गियां स्नोबेल के साथ मिली हुई हो और जॉन्स को वापस लाना चाहती हो। तो नेपोलियन ने उन मुर्गियों को मरवा दिया, जबकि फार्म हाउस का यह नियम था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, जिसे बदल कर ये नियम बना दिया गया कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन बिना वजह, बिना वजह कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। अब नेपोलियन फार्म की चीज़ों का व्यापार खुले रूप से करने लगा। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन जॉन्स ने पवन चक्की में बम लगा दिया। पवन चक्की जितनी बनी थी वो तबाह हो गई। सारे जानवरों को इस बात का बुरा लग रहा था, लेकिन अब क्या होना था। चक्की बनाने का काम फिर से शुरू किया गया, लेकिन पिग्स तो काम करते ही नहीं थे। धीरे धीरे जो जानवर काम कर रहे थे उन्होंने भी चक्की बनाने का काम छोड़ दिया, लेकिन बॉक्सर और बेंजमिन नाम का गधा, बॉक्सर नाम का घोड़ा और बेंजमिन नाम का गधा अभी भी उसको बनाने में लगे हुए थे क्योंकि वो चक्की बनाना उनका सपना था। सालों बीत गए, बॉक्सर का पैर भी टूट गया था, लेकिन फिर भी वो बेचारा काम करता रहा।
एक दिन पवन चक्की पर काम करते करते बॉक्सर पर पत्थर गिर गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा। अगले दिन पवन चक्की बनाने का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार बॉक्सर के बिना, क्योंकि बॉक्सर तो घायल हो गया था। तो अब घायल बॉक्सर को नेपोलियन ने एक गाड़ी बुलवा करके न जाने कहाँ भेज दिया। बेंजामिन अब समझ चुका था कि बॉक्सर अब वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे फार्म के पिग्स अब शराब भी पीने लगे थे और फार्म का एक और रूल टूट गया था। फार्म में रूल था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। पिग्स ने वो रूल भी तोड़ दिया। अब बहुत समय बाद पवन चक्की बन करके तैयार हो गई। पिग्स तो खा खा के मोटे हो रहे थे, लेकिन बाकी जानवर पतले होते जा रहे थे। जानवर धीरे धीरे अब नेपोलियन से बहुत परेशान हो गए थे। वो सभी पिग्स से परेशान हो गए थे। अब उन सब ने मिल करके फिर से यूनिटी बनाई और नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि नेपोलियन जब भी किसी को डराना होता था तो वो अपने जंगली कुत्तों का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब जंगली कुत्तों को भी शराब पीने की गंदी आदत लग गई थी। अब सभी जानवरों ने जब उसका विद्रोह किया तो उसने जंगली कुत्तों को बुलाया, लेकिन वो शराब पी के टुन्न पड़े थे। तो फाइनली सारे जानवरों ने मिलकर के नेपोलियन का विद्रोह किया और इसी विद्रोह के साथ ये कहानी का एंड हो गया। अब ये तो हो गई दोस्तों हमारी कहानी। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल सटायर की। वैसे तो जॉर्ज ऑरवेल ने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ये नोवेला 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। जब रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोवियत संघ बना था, उसकी भी इस फार्म की तरह हालत थी। और जो इस कहानी में कैरेक्टर नेपोलियन है वो जोसेफ स्टालिन है। आपको मालूम है जोसेफ स्टालिन कितना खतरनाक आदमी था? वो हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक था। अगर कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा तो वो इस बात को समझ जाएगा, वरना सिर्फ कहानी याद रखो कि कहानी में क्या हुआ है, बस इतना बहुत है। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बाय टेक्स्ट अगर कहानी पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है, इसलिए तो ये इतनी हिट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही बहुत है। आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, 100% आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।